नमस्कार, मैं नमिता दीक्षित और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। अब इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। स्वाति मालीवाल ने इसे अपने कैरियर की सबसे भयावह वारदात को बताते हुए कहा कि सारी हदें पार हो चुकी है। साथ ही इस घटना के बारे में ट्वीट करते हुए स्वाति मालीवाल ने लिखा कि दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एक नाबालिग मासूम गुड़िया को चाकू से गोदकर मार दिया गया और उसके बाद उसे पत्थर से कुचल दिया गया। दिल्ली में दरिंदों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस को नोटिस जारी कर रहे हैं, सारी हदें पार हो चुकी हैं। मैंने अपने इतने सालों के कैरियर में इससे ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं देखा है। स्वाति मालीवाल ने आगे कहा कि मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर तहस नहस हो गया है। ऐसी स्थिति में जिसमें महिलाएं और बच्चियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, दिल्ली असंवेदनशील हो गई है। वहां कई लोग थे, कई लड़कियां थी, लेकिन किसी ने भी उस मासूम की चीखें नहीं सुनी कि उसे बचा सके। इसके साथ ही स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का क्राइम को लेकर रवैया जो है उस पर सवाल खड़े होते हैं। आज लोगों में डर खत्म होता जा रहा है। उन्हें लगता है कि वो महिलाओं के साथ कितना भी बुरा करेंगे लेकिन कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इन घटनाओं से हमें कुछ सबक सीखना चाहिए। अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरें देखते रहे पंजाब केसरी .com।